أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النار الصلاة خير من النار الله أكبر الله أكبر الله अकबर बेटा उठो अजान हो गई है। नई सुबह मुबारक हो माँ। खुदा तुम चारों भाइयों को ऐसी लाखों सुबह देखनी नसीब करे, बशर्ते इस प्यार भरे अंदाज से उठाने के लिए माँ का साया हमेशा हमारे सरों पर बरकरार रहे। अख्तर तारिक कासिम उठो भाई, जल्दी से वजू करके मस्जिद जाओ, जमात खड़ी होने वाली है। सलाम माँ। जीते रहो बेटा। السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے رب کریم اے مالک دو جہاں अपने हकीर बंदों के सिजदे कबूल फरमा। ए रज़्ज़ाक़ मुतलक हमें वो रिज़्क़ अता कर जिसकी नमूदो वजूद में मिट्टी पानी के साथ हमारा पसीना भी शामिल हो। ए रब्बे करीम हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। हमें और हमारी औलाद को सिद्दीक़े अकबर जैसा फ़क्र, उमर फारूक जैसा अदल, उस्मान गनी जैसी मुरव्वत और अली शेर खुदा जैसी शुजात अपनाने की तौफीक अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। हम फौजियों की जिंदगी गांव की जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ होती है सही भैया, वो सिर्फ हुक्म और अमल की जिंदगी होती है। ठीक है अकबर भाई, सिपाही तो कौन करा खाले होते हैं, उनकी तो जितनी भी की जाए कम है। शुक्रिया। अकबर बेटे। जी जगह। भाई मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देना ही भूल गया था। किस बात की जगह? आपा जैनब ने बताया कि तुम माशाल्लाह सेकंड लेफ्टिनेंट हो गए हो। बस चाचा वो तो आप बुजुर्गों की दुआएं हैं। हाँ ठीक है, आदमी की तरक्की में बुजुर्गों की दुआओं के साथ उसकी अपनी मेहनत का भी बड़ा दखल होता है। आप भी ठीक कहते हैं। बेटे मुझे तो फौज से रिटायर हुए 5 साल हो चुके हैं, फौज में गुजारे हुए दिन अभी तक याद आते हैं। जी चाहता है कि फिर उसी दुनिया में लौट जाऊं। वो जिंदगी ही ऐसी जिंदगी है चाचा। हाँ ठीक है बेटे। अच्छा खुदा हाफिज, रेशमा मेरा इंतजार कर रही होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रेशमा आ
गए बाबा? हाँ रेशमा, जरा जल्दी से रोटी निकाल दे। रास्ते में अकबर ने बातों में लगा लिया था, देर हो गई। बस वो वाली बात है कि फौजी को फौजी मिले और करकर लंबे हाथ। लेकिन तुम्हें तो रिटायर्ड हुए 5 साल हो चुके हैं बाबा। अरे पगली, सिपाही हमेशा सिपाही ही रहता है। रोटी पे इतना बहुत सा मक्खन रख तो दिया तूने, लेकिन बेटी बूढ़े बाप का मैदा इसे हजम न कर पाएगा। खाओ भी, इस बुढ़ापे में इतना काम करते हो, अगर खाओगे नहीं तो काम कैसे करोगे? ये भी ठीक कहती है। बाबा, कभी कभी तुम सोचते तो होगे। क्या? बेटी के बजाय अगर तुम बेटे के बाप होते तो बुढ़ापा किस कदर आराम से गुजरता। ऐसी बातें सोचकर अपने दिल मेला मत किया कर। अरे पगली, वो जो आसमानों के ऊपर बैठा है ना, जिसे जो कुछ भी देता है देखभाल कर ही देता है। हम उसके बंदे हैं, हमें उससे मांगने की इजाजत है, शिकवे का हक नहीं। वैसे तू मुझे 100 बेटों से भी ज्यादा अजीज है बाबा। वाह, हमें जबरदस्ती खिला खिला कर पहलवान बना देगी, देखना। भैया खाते तो आप पहलवान हुए जा रहे हो। तुम अपनी बात कर रहे भैया, मान बैठो बैठो। भैया की बात सुनी, मान हर वक्त मैं लड़ता ही रहता। माँ मैं रोज देखता हूँ और बरसों से देख रहा हूँ, जब हम चारों भाई एक जगह होते हैं तो तेरी आंखें खुशी से चमक उठती है और तेरे होंठों पर मुस्कुराहट खेलने लगती है। माँ तेरा सर फक से बुलंद हो जाता है माँ, और तेरे पास बैठ के यूं महसूस होता है माँ जैसे हम किसी घने दरख्त की ठंडी छांव में बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों है माँ? मैं माँ हूँ, वो औरत जो औलाद के लबों पर खेलती हुई मुस्कुराहट देखने के लिए जिंदा है, जो सिर्फ उन्हीं से खुश होती है। तुम भी तो अपने खेतों को झूमता देखकर खुशी से नाच उठते हो। हाँ माँ। और मुझे इस बात का भी तो फख्र है कि मैंने 4 शेरों को जन्म दिया है जो सिर्फ और सिर्फ खुदा के सामने झुकते हैं, जो बदी की ताकतों के सामने लोहे की दीवार बन जाते हैं, जो गुनाह से तो भागते हैं लेकिन दुश्मन को पीठ नहीं दिखाते। मैं 4 शेरों की माँ हूँ बेटा। शेर से गीदा, फिर लोमड़ी और लोमड़ी से कुत्ता, जो तेरा जी चाहे बना दे। मगर सुन, तेरा ये शोहरे नामदार खराती दोपहर से पहले हरगिज ये बिस्तर नहीं छोड़ेगा। देखो शोहरे नामदार, अगर तेरे यही लक्षण रहे तो मैं ये घर छोड़ के मैं भी चली जाऊंगी। तो कुछ भी कर ले, मैं नहीं उठ लेगा। तुझ पर खुदा की मार, कभी तो चैन ले दिया कर। कुछ शर्म कर खुदाई खार, बस्ती के सारे लोग अपने अपने काम पर चले गए हैं। एक ये है कि बड़ा एंड रहा है, सुबह शाम दिन रात सिवाय सोने या रेडियो सुने ही कुछ काम ही नहीं रहा। किसी दिन इस मेरे को उठा के फेंक दूंगी। ये मेरी जिंदगी है, तूने अगर इसके साथ कोई हरकत की तो मैं तेरा गला घोंट दूंगा। अरे जा, जिसमें हल चलाने की हिम्मत ना हो वो किसी का गला क्या घोंट सकता है। ये बात है तो आज मैं तुझे अपनी ताकत बताऊंगा। शाम तक सारे खेत में हल ना चला दूं तो बजाय खैराती के मुझे कुछ और कह देना। अगर तूने वाकई पूरे खेत में हल चला दी तो मैं आज तुझे अपने हाथ से चूनी खिलाऊं। ये बात है तो मैं चला हल चला लूं। अरे भैया क्या कर रहा हो, ठंडी हवा खा रहा हो? ना भैया, पहलो को आराम दे रहे हैं। तो तुम्हारी छुट्टियां कब खत्म हो रही है अकबर भैया? भैया 15 दिन के बाद चला जाऊंगा। भैया एक जायकेदार खबर सुनाऊं? भाई सुनाओ, क्या खबर है? वो रात वाली खबर तो नहीं जो माँ सुना रही थी? हाँ भैया, वो तो वाकई बड़ी जायकेदार खबर है। भाई क्या खबर है, मैं सुनाओ भी तो। कासिम तो सुना दे। भैया माँ कह रही थी कि माशाल्लाह मेरा बेटा अकबर फौज में 2nd लेफ्टिनेंट बन के आया है, बस मैं उसकी फटाफट शादी कर दूंगी। फिर? अरे फिर क्या, छुट्टियां खत्म करके वापस जाने से पहले भाभी घर आ जाएगी। भाई कौन है वो खातून जो तुम्हारी भाभी बनने वाली है? वो होने वाली भाभी भैया को बुला रही है।
क्या भैया? हाँ भैया मजे भैया। क्या बात? कुछ नहीं। क्यों बुलाया था मुझे? किसने? उस आवाज ने जो बचपन से लेकर अब तक मुझे अपनी तरफ खींची रही है, और वो आवाज गांव की सबसे खूबसूरत लड़की रेशमा की आवाज है। बिना मत। रेशमा, बचपन के साथी अब जीवन साथी बन जाते तो अच्छा था। एक बात बताऊं तुम्हें? कहो। अब बाबा मेरी शादी के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। यकीनन होंगे। वैसे उन्होंने एक लड़का भी पसंद कर लिया है। कौन है वो लड़का? बाबा से चाचा खैरू बता रहे थे कि किसी आस पास के गाँव का बहुत ही बाका जवान है, बोलता है तो मुँह से फूल झड़ते हैं, चलता है तो सारे गाँव की निगाहें उसकी तरफ उठ जाती है। यानी तुम इस रिश्ते से खुश हो? हाँ अकबर, मैं तो पागल हो जा रही हूँ। मैं पूछ सकता हूँ उसका नाम क्या है? हैं? वैसे बताना जरूरी तो नहीं, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा कुरेद है तो लो सुन लो, उसका नाम है अकबर और वो मेरे बचपन का साथी है। पान ना चांद में थी शान, मेरा चनुमा ही कप्तान, ओ मेरा चनुमा ही कप्तान, ओ मेरा चनुमा ही कप्तान। ना सूरज में आन पान ना चांद में थी शान, मेरा चनुमा ही कप्तान। ओ मेरा चनुमा ही कप्तान, ओ
नामदार पे हाथ उठाती है, जहन्नम में जाएगी, जहन्नम में। जहन्नम में तू जाएगा, जमीन के सीने का बोझ बना हुआ है। बकवास बंद कर और गाना सुनने दे। तू तो घर में ये कह के आया था कि आज शाम तो पूरे खेत में हल चला दूंगा। इरादा तो यही था नूरा, मगर क्या करता, गाने बहुत अच्छे आने लगे थे और मैं बस। देखना इस साल भूखे ही मरेंगे, तू गानों में वक्त गुजार देना, न खेत बो जाएंगे, न आना जाएगा, न रोटी मिलेगी। अरे सब हो जाएगा, मगर तू पर एक खाना दे दे। रोटी तो उस तक मिलेगी जब तू सारा काम कर लेगा। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है नूरा, पहले खाना खाऊंगा। काम करेगा तो खाएगा, काम करेगा तो खाएगा, ये बात है। तो नहीं करता मैं काम, बस तेरे बजाय रोटी कुत्ते खाएंगे। कुत्ते खाएंगे। करूंगी, मैं भी किसान की बेटी हूँ। किसान की बच्ची, चल मेरे यार। जो कलिमाए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हैं, बिला इम्तियाज रंगो नस्ल व मुल्क आपस में भाई भाई हैं। मुसलमान का खून, मुसलमान का माल मुसलमान पर हराम है। यह हुक्म है खुदा और उसके हबीब का कि ऐ कलिमा गो बंदगान खुदा, हलाल खाओ, आपस में अमन सुकून से रहो, किसी बेगुनाह को दुख न पहुंचाओ, किसी मजबूर पर जुल्म ना ढाओ, लेकिन हक के लिए, हक के लिए तुम्हारी तलवार म्यान में नहीं रहनी चाहिए। खुदा से दुआ है कि वो हमें अहकाम दीनी पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जय बजरंग बली। इस वक्त पाकिस्तानी चरवा अकेला है, हम बड़ी आसानी से माल ले जा सकते हैं। चलो मित्रो। Yeah!
नौजवानों, सरहद पार के लुटेरे अक्सर ऐसी हरकतें करते रहते हैं। आज उन्हें ऐसी सजा दो कि आइंदा वो इस जमीन पर कदम रखने की जुर्रत न कर सके। आज ऐसा ही होगा मौलवी साहब। चलो बिस्मिल्लाह, नारे तकबीर। अरे मुझे गांव में ही रहने दे, गांव की हिफाजत के लिए भी तो कम से कम एक मर्द का होना जरूरी है। गांव की हिफाजत के लिए आंटे काफी है। तू अब घोड़े पर चल। तू अब घोड़े पर चल। तेरा बस चले ना रूला तो तू मुझे सुली पर चला कर छोड़े। लानत है मुझ पर जब मैंने तुझ जैसी औरत के साथ शादी। अब ऐसी नहीं बात आएगा। अरे रूला, अरे चलता हूँ। क्यों मारती? चलता हूँ, चलता हूँ। अरे अरे नूरा, इसका सर किस तरफ? अरे इसका सर हाँ गायब हो गया है। अरे मार क्यों नहीं गई? खुदा के फजल से हमारे पांच आदमी 15 आदमियों पर भारी रहे। खुदा बातिल के मुकाबले में हमेशा हक को फतह देता है। कौम के जवानों, बातिल के मुकाबले में डर जाने वालों के लिए अल्लाह की तरफ से बेहतरीन इनाम है। आप ठीक कहते हैं मौलवी साहब। कुफर की ताकत से मरूब होने वाले तो वो लोग होते हैं जिनके दिल में ईमान की शमा बुझ जाती है। ज़ैनब, तुमने जिस अंदाज से अपनी औलाद को तरबियत दी है, खुदा वो सलीका कौम की हर माँ को अता करे। अच्छा बच्चों, जाओ अब तुम आराम करो। अच्छा आओ माँ। चले माँ। अरे क्या रात भर खड़े रहने की कसम खाई है? हाँ। क्यों? सुन नूरा, अब तेरा ये शोहर नामदार यानी के खैराती उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेगा जब तक चार काफिलों को मौत के घाट नहीं उतार डालेगा। अब बढ़ चढ़ कर बातें बना रहा है। अगर ऐसा ही बहादुर था तो गांव वालों के साथ मुकाबले पर क्यों नहीं गया? मैं नहीं गया, मैं तो जाने के लिए तैयार था, मगर वो कम्बा घोड़ा ही नहीं चला तो मैं क्या करता? पैदल चले जाता। पैदल चला जाता? अरे बेवकूफ, मुजाहिद भी कभी पैदल गए हैं? सरफरोश तो हमेशा घोड़े पर सवार सर काटने और कटाने जाते हैं। हाय हाय, बाप ने मारी पोदनी और बेटा तीर अंदाज। बस नूरा, अगर तूने मेरे बाप का नाम लिया तो मैं तेरे बाप का नाम लूंगा और ये तेरे 32 के 32 दांत तोड़ डालूंगा। वो तो शायद अभी काफरों की जिंदगी के कुछ दिन बाकी हैं, वरना घोड़ा चल पड़ता तो मैं चलता तो लाठी चलती तो मैदान कुफार लाजबार की लाशों से पट जाता, खून की नदियां बह जाती, वगैरह वगैरह। बस बस, अब खाना खा के सो जा। दे दे, बहुत जोर की भूख लगी। सास का रिश्ता टूट जाए तो यादें बाकी रह जाती हैं। कौन जाने कब तेरी माँ हमेशा के लिए तुझसे जुदा हो जाए। ऐसी बातें ना कर माँ, इंशाल्लाह तेरा साया हमेशा हमारे सरों पर बरकरार रहेगा। मौत तो एक ठोस हकीकत है बेटे। चाहती हूँ मरने से पहले इस घर को संभालने के लिए कोई बंदोबस्त कर दो। मुझे अपनी माँ की सलामती की दुआ मांगने दे, बाकी बंदोबस्त तो होते रहेंगे। पगला कहीं का अकबर, माँ कहने वाले तो चार शेर खुदा ने मुझे बख्शे हैं। कोई ऐसा भी तो हो जो अपनी तोतली जबान में दादी कहकर मुझे पुकारे। मेरा ख्याल है शेर मोहम्मद की बेटी रेशमा को बहू बनाकर ले आऊं। तुझे कोई एतराज तो नहीं? मैं जैसे तेरी मर्जी। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटे। चोट ज्यादा तो नहीं लगी? इस चोट की परवाह नहीं, अलबत्ता दिल के पुराने जख्म में कसक हो रही है। ये ठंडी लस्सी इस तकलीफ का बेहतरीन इलाज साबित होगी।
इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? हम देहाती लोग तकल्लुफ क्या जाने, हम तो घर आए मेहमान की खातिर करना अपना फर्ज समझते हैं। यानी अब तक तुम मुझे मेहमान समझती हो? फिर और क्या समझो? अपने दिल से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कि अकबर तुम्हारा कौन है और तुम उसे क्या समझती हो। वो तो मैं बाद में पूछूंगी, पहले तुम ये बताओ कि यहाँ दिन के उजाले में क्यों आए हो? रात के अंधेरे में तो चोर आते हैं, और जाहिर में चोर नहीं। फिर भी किसी पास पड़ोस के आदमी ने देख लिया तो? अरे पास पड़ोस के आदमी तो हमें बचपन से देख रहे हैं, मगर आज मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया था। सुनाओ। छुट्टी खत्म होने से पहले इस घर के दरवाजे पे किसी एक दिन शहनाई गूंज उठेगी। कोई सहरा बांध कर आएगा और किसी को डोली में बिठा कर ले जाएगा। बस मैं तुमसे यही कहने आया था। खुदा हाफिज। अकबर के वालिद मरहूम तुम्हारे बड़े गहरे दोस्त थे शेरू भाई। हाँ बीबी, मरने वाला मेरा लंगोटिया था। अब भी जब कभी उसका जिक्र आता है तो आंखों के किनारे भीग जाते हैं। मैं तुम्हारे उसी दोस्त की चार निशानियां सीने से लगाए जिंदगी के 10 साल गुजार चुकी हूँ। अब जबकि सफेदी ने स्याही की जगह ले ली है, आंखों ने सिर्फ करीब से देखना शुरू कर दिया है, हाथ जरा से बोझ से लरजने लगे हैं, पैर कदमों के फासले से थकने लगे हैं, मैं अपने घर की चाबियां और अपनी जिम्मेदारियां तो बहू को सौंपना चाहती हूँ। हाँ वाकई तुम्हें आराम की जरूरत है ज़ैनब। इस आराम की जस्तजू ही मुझे यहाँ तक ले आई है। मैं झोली फैलाकर तुमसे कुछ मांगने आई हूँ शेरू भाई। बहनें भाइयों के घर मांगनी नहीं आया करती, उन्हें तो अपनी पसंद की हर चीज जबरदस्ती छीनने का हक होता है। खुदा तुम्हें सलामत रखे। मैं अकबर के लिए रेशमा को मांगने आई थी। रेशमा तेरी ही बेटी है, बेटी बाप के घर किसी न किसी की अमानत होती है, शायद वो तेरे ही घर की अमानत है। मेरी तरफ से बिल्कुल इजाजत है, जब तेरी मर्जी हो बारात ले आना। शुक्रिया भाई, तुमने मेरी बात की लाज रख ली। अकबर की छुट्टी इस महीने की 30 तारीख को खत्म हो रही है, मेरे ख्याल में बारात और रुख्सती के लिए 20 तारीख मुनासिब रहेगी। मुझे मंजूर है, जाओ अपनी तैयारियां करो। मोहब्बत मान जाए तो बस मजा आ जाए। क्या मजा आ जाए, क्या मजा आ जाए, यही के शादी की तारीख तय हो, और शादी की तारीख तय हो तो शहनाई बाजे तो बारात चढ़े, बारात चढ़े तो दावत हो, दावत हो तो पुलाव, जर्दा, बिरयानी और नाश्ते। जब बात करेगा खाने की बात करेगा, जब बात करेगा खाने की बात करेगा, बगैर खाने के इस दुनिया में रखा ही क्या, खाया पिया और जब वक्त आया तो सीधे ऊपर। ले सुन ले मेरे बाप, भला कहाँ से नाजिल हो गए। हाँ पियो और आराम करो, काम तुम्हारा बाबा करेगा। काम मैं करूँगा, मगर खुदा के लिए सबको यहाँ से दफा हो। हाँ तू चल, हम एक जरूरी बात कर रहे हैं। भाइयों बन गया काम, तारीख तय हो गई, शादी इस महीने की 20 तारीख को है। ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान, ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान, ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान, ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान। देखूं ना लहराते तीर, ना मैं खंजर भाले देखूं ना लहराते तीर, ना तोपे ना गोले देखूं ना देखूं शमशीर, मैं हूं मुजाहिद पाकिस्तानी, मेरी नख नख में ईमान, ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान, ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान, ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान।
ऊंचे कोहसारों से पूछो मेरा नाम दलेर, ऊंचे कोहसारों से पूछो मेरा नाम दलेर, पत्थर जैसे बाजू मेरे, मैं गाजी मैं शेर, मैं हूँ मुजाहिद पाकिस्तानी जैसे एक चट्टान, ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान, ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान, ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान, आजादी की शमा पे झूमूं मैं परवानावार, आजादी की शमा पे झूमूं मैं परवानावार, चांद सितारे के परचम पे मेरी जान निसार, मैं हूँ मुजाहिद पाकिस्तानी, मैं मिल्लत पे कुर्बान, ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान, ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान, ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान। अली गजनवी मेरा नाम, बाबर अहमद शाह अब्दाली गजनवी मेरा नाम, मैं हूँ मोहम्मद बिन कासम का एक दिन दा पैगाम, मैं हूँ मुजाहिद पाकिस्तानी, मेरे हाथों में कुरान, ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान, ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान, मौला जाने मेरे वतन की शान, ओ मौला रखे मेरे वतन की शान, ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान, ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान। जवानों की ये लाशें इस बात का खुला सबूत है कि हमारा दुश्मन बुज़दिल और मक्कार है। शायद ये उस जंग की इब्तिदा है जो बरसों से हमारे सिरों पर मंडला रही थी।
हम जंग से नहीं घबराते मौलवी साहब, इन बेगुनाह शहीदों की कसम, मौत हमारे लिए बच्चों का खेल है। हमें इन बेगुनाहों के इंतकाम की इजाजत दीजिए। आपके मुहाफिज आपका इंतकाम लेंगे। इन शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। दुश्मन ने रात के अंधेरे में जो जुल्म की आग हमारे गांव पर बरसाई है, वो सुबह के सूरज के साथ मुल्क भर के 10 करोड़ इंसानों को झंझोर कर जगा देगी। और फिर हमारे हाथ दुश्मन के गिरेबान की तरफ बढ़ेंगे और हम अपने इंतकाम की आग दुश्मन के खून से बुझाएंगे। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। रेडियो पाकिस्तान, सदर मम्लिकत फील्ड मार्शल मोहम्मद अय्यूब खान कौम से खिताब करते हैं। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम अलैकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानिब से हमला किया। भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुजदिलाना हमले का निशाना बनाया। हिंदुस्तानियों ने माल जंग बंदी लाइन तोड़नी ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी इलाके में अवान के गांव पर गोलाबारी की। हिंदुस्तानियों ने लाहौर के दिलेर और बहादुर लोगों को सबसे पहले ललकारा है। तारीख में लाहौर के दिलेरों का नाम हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि के हाथों दुश्मन का हमेशा के लिए खात्मा भी हुआ। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मुसल्ला फौजों को अपने जौहर दिखाने का मौका अता किया है। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। हुक्म खुदाबंदी ये है कि बिला वजह किसी पर हथियार मत उठाओ, लेकिन जब तुम पर हमला किया जाए, जब तुम्हारी आंखें फरजंदाने तौहीद के जख्मों को देखकर नम होने लगे, जब दुश्मनों के हाथों से शहीद होने वालों की आवाज तुम्हारे कानों से टकराए, जब तुम्हारे घरों के खगर तुम्हें ललकारे, जब बेवाओं के नंगे हाथ तुम्हारी तरफ फरियाद के अंदाज में बढ़ने लगे, जब यतीमों के आंसू जमीन अपने सीने में जज्ब करने लगे, उस वक्त ऐ फरजंदाने तौहीद, उस वक्त हुक्म खुदावंदी ये है कि अपना सुख चैन हराम कर दो, अपनी तलवारें लेकर मैदान में निकल आओ, एक सफ में आगे बढ़ो और बादल का सर कुचल डालो। ये जिहाद फी सबीलिल्लाह है। अगर जिंदा रहे तो गाजी कहलाओगे, और अगर मैदान जंग में काम आ गए तो ये मौत तुम्हारी शहादत की मौत होगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माएं उस वक्त भी खुश होती हैं जब वो अपने जवान बेटों के सरों पर सेहरा डालती हैं। आज तुम्हारे सरों पे माँ की दुआओं के फूलों का सेहरा है, तुम्हारे गले में खुदा की रहमत के हार हैं। माँ तुम्हें मादरे वतन की हिफाजत के लिए भेज रही है। दुश्मन का हाथ मादरे वतन के सर से आबरू की चादर खींचने के लिए आगे बढ़ा है, तुम्हें वो हाथ कलम करना है, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। इंशाल्लाह हम फाते वापस आएंगे माँ, और न आ सके तो हमारे सीनों में पैवत गोलियां तुझसे किए हुए वादे की गवाही देंगी माँ। हम मादरे वतन की मांग में अपने खून से अफशां भर देंगे माँ। शाबाश, खुदा के साथ भी गवाह रहना कि तुम्हें रुखसत करते हुए मेरी आंखों में आंसू नहीं है। और हम अपने दिलों में ईमान की वो आग रोशन कर चुके हैं माँ, जो दुश्मन के इरादों को जलाकर खाक कर देगी इंशाअल्लाह ताला। जहाद हर उस मर्द मुसलमान पर फर्ज है बेटी, जिसके बाजुओं में हथियार उठाने की सकत है। मैं लाख बूढ़ा सही, लेकिन मेरे रगों में दौड़ता हुआ खून इतना सर्द नहीं हुआ कि जहाद की आवाज सुनकर खामोश बैठा रहूं। मैं तुम्हें फर्ज की अदायगी से नहीं रोकती बाबा, लेकिन तुम उस बेटी के बाप हो जिसका तुम्हारे अलावा कोई सहारा नहीं। तू एक मुसलमान की बेटी है रेशमा, और मुसलमान का सहारा खुदा और सिर्फ खुदा ही है।
ये तो मेरा भी ईमान है बाबा। तो फिर अपनी आंखों से आंसू पोंछ ले। मुसलमान बेटियां अपने अजीजों को जंग के लिए रुखसत करते हुए आंसू कभी नहीं बहाती। वो तो उस वक्त भी अपने होंठों पे मुस्कुराहट बखेर देती हैं जब उनके अजीज मैदान जंग में शहीद हो जाते हैं। मैंने आंसू पोंछ लिए हैं बाबा। अरे क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी है? लाओ छोड़ दे, बल्कि वहां से तुझे हाथ लेकर डाल। बाहर निकल, सारा गांव दुश्मन से लड़ने जा रहा है, एक तू है कि संदूक में उसका बैठा है। तो और क्या करूं, मैं भी जाके अपना सर कटवा दूं। हाँ। नहीं नहीं, जंग में आदमी मारे जाते हैं और अगर कहीं तरह ये शहर नामदार शराती मारा गया तो दिन बेवा हो जाएगी, फिर तू किससे बातें क्या करेगी, किससे लड़ाई करेगी? बुजदिल की सुहागन से शहीद की बेवा लाख दर्जे बेहतर है। अब तू एक मिनट घर में नहीं रहेगा। सबर सबर कर, जरा मुझे ढाई तीन दिन सोचने का मौका दे दे। हाय, ये हसीन जिस कुत्तों की खुराक बन जाएगा। बकवास बंद कर, कल सुबह तुझे हर कीमत पर रुखसत होना होगा। आओ शेरू भाई। मैं तेरी अमानत तुझे सौंपने आया हूँ बहन। तुम कहाँ जा रहे हो? दुश्मन की खजाने इस्लाम के शेरों को ललकारा है। हम अपनी तरफ बड़े हुए हाथों को तोड़ना जानते हैं। हमने वतन की आबरू के लिए हमेशा सर धड़ की बाजी लगाई है, आज फिर ऐसा ही वक्त आ गया है। इंशाल्लाह फतह हमारी होगी भैया। शहीदों के सर फतह की कीमत होते हैं। अगर मैं वापस ना आऊं तो रेशमा की शादी का वो फर्ज अदा कर देना जो अधूरा रह गया है। तुम इंशाल्लाह कामयाब और कामरान लौटोगे भैया, और तमाम फराइज की अदायगी तुम्हारे सामने होगी। अल्लाह मालिक है। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाए तो इसे अपने से जुदा मत करना अकबर। इस फूल की पंखड़ियों में वो आंसू जज्ब है जो अपने महबूब से जुदा होने की खबर सुनकर बेख्तियार आंखों में छलक आए हैं। इसके अलावा तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। रेशमी, मैं जानता हूँ हम दोनों एक दूसरे को किस कदर चाहते हैं। तुम्हें मोहब्बत के पाक जज्बे की कसम है, मेरे जिंदा वापिस आने की दुआ मांगने के बजाय काम की फतह और कामरानी की दुआ मांगना। अच्छा अकबर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाफिज मौलिम साहब। खुदा हाफिज। शेर मोहम्मद भाई, खुदा हाफिज। खुदा करे तुम गाजी वापस आओ। मेरे मौला, तेरा ये नाचीज बंदा भी शहादत का। बताने की जरूरत नहीं कि मैं नीलो हूँ। आपने मेरी बहुत सी फिल्में देखी हूँ, इनसे मिलिए। कमाल, लहरी, साफी, सुल्ताना, आकिल और एम इस्माइल, इन तमाम फनकारों की अदाकारी आप यकीनन पसंद करेंगे। ओह,
ये तो मैं भूल ही गई। आंख से आंख मिला ले घूमत वाले, उम्मीदों के फूल खिले हैं। एक नहीं पांच और है। होती है ये सुंदर नारी मर्दों की कमजोरी। दीदी हमसे क्यों कहते हो आजा चोरी चोरी। लेकिन जब एक मजबूर और बेसहारा लड़की सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नाचती और गाती है तो उसे जलील और बाजारी कहा जाता है। आखिर कहाँ का इंसाफ है। जैसी औरतें जब अपने इरादों में नाकाम होती हैं तो इंतकाम लेने पर उतर आती हैं। हमसे ले लो कसम तुम पे मरते हैं हम, देखो छेड़ेंगे मस्ती में फिर तुमको हम। हमसे ले लो कसम। नाचने वाली हूं मेरी कोई इज्जत नहीं, इसलिए कि मैंने अपने फाकों को डालने के लिए अपने फन का सहारा लिया। लेकिन खान बहादुर साहब, मैं शराफत की उन अमामों से पूछती हूं कि वो उस वक्त कहां थे जब मेरी शराफत भूख से निढाल थी। कहिए पसंद आए। बांके संवरिया ने जादू डाला, बांके संवरिया ने जादू डाला। छिन गया रे मेरा मन मत वाला, छिन गया रे मेरा मन मत वाला। बांके संवरिया ने जादू। इंसाफ बहुत जल्द आपके पसंदीदा पिक्चर हाउसेज में रिलीज होने वाली है। उम्मीद है कि आप इसे बहुत पसंद करें। Yeah.
लक्षण देख रहे हो? ये अब काम का नहीं, सिर्फ नाम डाकू रह गया है। ऐसे आदमी की सरदारी में तो सारी बरादरी का पटरा हो जाएगा। ये तकदीर से डाकू बना है, अपनी तरह तकदीर से डाकू नहीं बना। मगर फिर भी मेरा हक छीन कर शाहजोर ने शेरों का वो नारा गूंजा आजादी या मौत शेरों का वो नारा गूंजा आजादी या मौत। कदम बढ़ाओ आगे बढ़ना मोमिन की है शान, मोमिन की है शान। कफन लपेटे मौत से लड़ना गाजी की पहचान, गाजी की पहचान। आजादी का है ये तकाजा आजादी या मौत, आजादी का है ये तकाजा आजादी या मौत, आजादी या मौत, आजादी या मौत। शेरों का वो नारा गूंजा आजादी या मौत। लरज उठे वो दुश्मन सुन के शेरों की आवाज, शेरों की आवाज। बजाम छपके शोला बन के मिल्लत के शहबाज, मिल्लत के शहबाज। तूफानों ने किया इशारा आजादी या मौत, तूफानों ने किया इशारा आजादी या मौत, आजादी या मौत, आजादी या मौत। शेरों का वो नारा गूंजा आजादी या मौत। रहेगी हासिल फिर भी हमको अल्लाह की ताईद, अल्लाह की ताईद। रहे जो जिंदा तो हम गाजी, मर जाए तो शहीद, मर जाए तो शहीद। दीवानों का अटल इरादा आजादी या मौत, दीवानों का अटल इरादा आजादी या मौत, आजादी या मौत, आजादी या मौत। शेरों का वो नारा गूंजा आजादी या मौत। अजल की गहरी नींद सुला दो दुश्मन की यलगार, दुश्मन की यलगार। कुचल के रख दो टुकड़े कर दो जालिम की तलवार, जालिम की तलवार। है ये खुदा से अपना वादा आजादी या मौत, है ये खुदा से अपना वादा आजादी या मौत, आजादी या मौत, आजादी या मौत। शेरों का वो नारा गूंजा आजादी या मौत, भूखे वतन का शोला जागा आजादी या मौत, आजादी या मौत, आजादी या मौत।
पास खास खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुनिए। लाहौर के महाज पर हमारी बहादुर फौज ने दुश्मन का हमला पसपा कर दिया। हिंदुस्तान की फिजाइया ने हमारी सरहदों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारे बहादुर हवाबाजों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन के दो तैयारे मार गिराए। सियालकोट सेक्टर में हमारी बहादुर फौज ने अपने मोर्चे और मजबूत कर लिए। जेम सेक्टर के करीब एक हमले में हमारे फौजी जवानों ने दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों पर गोले बरसाए, जिससे दुश्मन की बहुत सी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। गाड़ियों की तबाही से आग से शोले उठते दिखाई दिए। रेडियो पाकिस्तान से खबरें खत्म हुई। तो बहन, मैं जानता हूं तुमने अपने चार बेटे खुदा की राह में जहाद के लिए महाज पर भेज दिए हैं। ये तो हर माँ का फर्ज है। मेरे बेटे जो कुछ भी कर रहे हैं उसका सवाब, उसका इनाम तो उन्हें मिलेगा। मुझे भी तो अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन बहन, मेरा खून ले लो डॉक्टर साहब, फरिश्तों को मेरे नामा अमाल में एक नेकी लिख लेने दो। जिस कौम की माओं के दिलों में कुर्बानी का ये जज्बा हो, वो कभी फना नहीं हो सकती। तू यहाँ बैठा हुआ है, चल चल के खून दे। खून? हाँ खून, गांव के सभी आदमी तो खून दे रहे हैं। गांव के सभी आदमियों के जिस्म में तो बहुत खून है नूरा। रहा मेरा खून तो वो तो जंग शुरू होते ही खुश्क हो गया। बकवास मत कर। देख नूरा, खून की बात है ना, तो तू ऐसा कर कि अपनी गाय बैल बकरी जिसका खून तुझे चाहिए ले ले, मगर मुझ पर रहम कर। मैंने जिंदगी में तुझसे ज्यादा बुजदिल मर्द नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं देखा तो देख। ज्यादा बातें ना बना, चल मेरे साथ। कहाँ? खून देने। हाँ नूरा, नूरा मैं चला। सदर मम्लिकत फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने कौम से खिताब करते हुए कहा, हम सब महाज पर हैं और हर पाकिस्तानी के लिए ये आजमाइश का वक्त है। हमें चाहिए कि हम मुत्तहिद होकर अज़्म व इस्तक़लाल और मेहनत से काम करते रहें। कौमी दिफाई फंड में ज्यादा से ज्यादा चंदा देना भी हमारा कौमी फर्ज है। हम सब महाज जंग पे हैं बेटी। हर शख्स अपनी बिसात के मुताबिक मुल्क और कौम की खिदमत में मसरूफ है। किसी ने सर धड़ की बाजी लगा रखी है और कोई अपने दिमाग से काम ले रहा है, कोई अपने कलम की ताकत इस्तेमाल कर रहा है। जिन्हें खुदा ने माल और जर दिया है वो खुले दिल से मुल्क की माली इमदाद कर रहे हैं। हम सबका यही फर्ज है। ऐसे मौके पर सोने चांदी का ये ढेर तिजोरियों में बंद नहीं रहना चाहिए। ये कौम के लिए है। और ये भी कौम के लिए है माँ। जीती रहो बेटी। बुजदिल बेहया, तू अब तक बकरी बना हुआ है? कुछ तो शर्म कर, ऐसे भी सपूत हैं जो मुस्कुराते हुए सर कटा रहे हैं। ऐसी बातें मत क्या कर नूरा, सर कटाने में बहुत तकलीफ होती। मैंने नूरुद्दीन का बकरा कटते हुए देखा, बहुत बुरी तरह से चीख रहा था। लानत हो तेरे ऊपर, आज से तेरे मेरे ताल्लुक खत्म। नहीं नहीं, ऐसी बातें मत क्या कर नूरा, तू जैसा कहेगी ना मैं वैसा ही करूंगा। मगर अब तो जरा खबरें तो सुनने दे। मैं ये जानता हूं कि आपके हौसले बुलंद हैं। मुझे मालूम है कि आप सब वतन अजीज की हिफाजत के लिए मर मिटने की कसम खा चुके हैं। यही इस जिंदा कौम का शेवा है। इस गांव के सभी जवान मुकद्दस वतन की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ महाजों पर जा चुके हैं। उनकी माओ, बहनों,
बीवियों और बच्चों की हिफाजत करना के मकसद के लिए हम गांव से 2 मील दूर सड़क के करीब एक नई हिफाजती चौकी कायम कर रहे हैं। खुदा तुम्हारा हाफिज़ और नासिर है और फतह तुम्हारा मुकद्दर है बेटा। इंशाअल्लाह। मैं हूँ मुजाहिद पाकिस्तान। अरे तू यहाँ क्यों खड़ी? तेरा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार कर रही थी और वो तू? मगर क्यों? तू बहुत जोर से नारा मार के यहाँ क्यों चले आया? यहाँ क्यों चला आया? अरे यहाँ ना आता तो और कहाँ जाता? चराव जले शरीफ अपने घर भले। कुछ शर्म कर, वो भी तो अपने माँ के लाल है जो सर हथेली पर रखे दुश्मन के सामने डटे हुए हैं। काश मैं किसी सिपाही की बीवी होती तो आज मेरा सर फकर से बुलंद होता। तू तो मेरे सर के पीछे पड़ गई है। बहुत शौक है ना तुझे मरने का, तो चली जा। एक ही गोली में हुलिया बेरंग हो जाएगा, गजबर की जबान बाहर आ जाएगी। मैं तो वक्त आने पर इंशाल्लाह ये भी कर दिखाऊंगी, मगर आज से तेरा मेरा ताल्लुक खत्म। मैं तुझे उस वक्त घर में घुसने दूंगी जब तू कम से कम एक काफिर को मौत की घाट उतार आएगा। ये औरत तो मेरी जान की दुश्मन बनी है। अरे कोई बताओ कि मैं क्या करूं। पाकिस्तानी गांव यहां से 2.5 मील की दूरी पर, दिन ढले हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे ताकि रात के अंधेरे में गांव के करीब पहुंचकर हमले के लिए मजबूत मोर्चे बना सके। मेरा ख्याल है हमला भी रात के अंधेरे में होना चाहिए। हमला रात के अंधेरे में ही होगा, लेकिन हमें दुश्मन की सही ताकत मालूम करनी चाहिए। इसके लिए मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी। अरे पतलू भैया, अरे पतलू भैया, अरे पतलू भैया, क्या है? अरे तू और पहलवानी? अबे जब करोगे दलीली करोगे। भारतीय दरिंदे हमारी सरहदों तक आ गए हैं, इस मौके पर तो सबको हो जाना चाहिए, सबको हो जाना चाहिए। और क्या? मेरे बाप, बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत, जवान, जिसे देखो सर से कमर लपेटे उठ खड़ा हुआ। कोई भी तो मौत से नहीं डरता। अबे जब करोगे जलीली करोगे, मौत भी कोई डरने की चीज है? मौत भी कोई डरने की चीज है? अबे बात तो ऐसे कर गया जैसे तूने मौतें देखी। अरे वो 3000 मौतें देखी होंगी मैंने। 3000 मौतें? हाँ मौतें देखी। तो वो देख, वो देख, वो आ गई मेरी मौत। वो? अबे वो तो तेरी बीवी है। बीवी? हाँ बीवी। और कौन है? बीवी है तो फिर आने दे। अरे पतले भैया, बीवी बन, बीवी बन तो ऐसी। वाह वाह माशा। तू खाना यहाँ क्यों ले आई? मैं घर पे ही खा लेता। घर पे ही खा लेता? ये खाना तो मैं अपने कौम के सिपाहियों के लिए ले जा रही हूँ। कौम के सिपाहियों के लिए? वो इसका मतलब ये हुआ कि मैं भूखा मरूं? रोटी खाएगा? हाँ खाएगा। मेरे साथ मोर्चे पे चल। मोर्चे? अरे वहाँ जहाँ तोपे बंदूके बांध के गोले। अबे जब करोगे जरूर करोगे खराती। मैं वो औरत होके मोर्चे पे जाने के लिए तैयार है और तुम मर्द होके मोर्चे से भाग रहे हो। ये बात? हाँ ये बात। आ गई बात। तू भी मेरे साथ चल। अबे पागल हुआ है कहीं? मैं तैयारी कर रहा हूँ भैया, मुझे तैयारी करने दे। खींच क्यों रहा है बड़ा बजा? छोड़। अरे चल भाई। अबे जा लेके जा, भैया से लेके जा। अरे भाई। अबे जा मोर्चे पे मोर्चे पे उतर तू। ये मेरे कौम के सिपाही, आज तुम्हारी थोड़ी सी खिदमत करके जो सुकून मुझे नसीब हुआ होगा वो शायद किसी बादशाह को भी नसीब नहीं होगा। काश मैं जिंदगी भर किसी सिपाही की खिदमत कर सकती। नूरा मेरी बात सुन, मेरे साथ आ। क्या है? तूने मेरी गैरत को थप्पड़ मारकर जगा दिया है नूरा। मैंने सिपाही के सामने खड़ा होके अपने अंदर के बुजुर्ग खैराती का गला घोंट दिया है। अब खैराती सिपाही है। मैं तेरे सामने हंसते हुए सर कटाऊंगा। मैं मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दूंगा। खीमकरण यहाँ से सिर्फ 7 मील के फासले पर है। अगर हम अपनी ब्रिगेड को 2 हिस्सों में तकसीम करके बैक वक्त शुमाल और शुमाल मशरिक की तरफ से आगे बढ़ें और किसी एक वक्त पर दोनों तरफ से भरपूर हमला करें तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी यकीनी है। मुझे आपकी राय का पूरा इत्तेफाक है, लेकिन दुश्मन की तादाद का अंदाजा किए बगैर हमला इस अंदाज पर सोचना मुसलमान सिपाही के लिए गुनाह है। तारीख गवाह है कि मुसलमान सिपाही ने
तादाद के बजाय जज्बा ईमान से फतह पाई है। मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ और साथ ही निस ब्रिगेड की कमांड भी आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। आप आज ही रात को ठीक 12 बजे यहाँ से रवाना हो जाइए। बहुत बेहतर। हमारा कोई खत है? नहीं बेटी। मेरी अच्छी माँ। माँ को खत लिख रहे हो भैया? हाँ, माँ को खत लिख रहा हूँ। मेरा भी सलाम लिख देना। अच्छा। मेरी अच्छी माँ, हम सीधा पिलाई हुई दीवार की तरह दुश्मन के सामने डटे हुए हैं। सामान्य जंग पे नाजा और तादाद पे मगरूर भारतीय फौज अपनी जगह से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकी। हम तादाद से मरूब नहीं है माँ, हमें दुश्मन के असलाह का भी खौफ नहीं। मोमिन की फतह जज्बे ईमान है, हथियार नहीं। काफिर हो तो तलवार पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हाँ, इसका सबूत तो तारीख इस्लाम के औराक भी है बेटे। लिखा है माँ, हम अपनी आज़ादी और वतन की हिफाजत के लिए मर मिटने का अहद कर चुके हैं। हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, दुश्मन हर मुहाज पर पछता हो रहा है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अगरचे हमारा पल्ला भारी है, फिर भी हमें दामन फैलाकर खुलूस दिल से बारगाह इलाही में दुआ मांगनी चाहिए। यकीनन तुम हमारे लिए, कौम और मुल्क के लिए खुदा के हुजूर में गिर गिरा कर दुआ मांगोगी। तुम्हारा बेटा अकबर। माँ ने दुआ के लिए हाथ फैला दिए हैं मेरे बेटे।
के तूफान को सीनों में समेटे, शालों के जो पहलू में है आराम से लेते। ये आपके भाई और कनीजों के हैं बेटे, ये आपके भाई और कनीजों के हैं बेटे। नजरों में है रखी निगहबान मदीना, इल्ला मदद कीजिए सुल्तान की मान पे बेदाद है आका, हर आपका एहसान हमें याद है आका। पर याद है, 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 पर याद है आका। इंसाफ के तालिब सना खान मदीना, इल्ला मदद कीजिए सुल्तान मदीना। ऐ सरवर दी, ऐ सरवर दी साहिबे वान मदीना, इल्ला मदद कीजिए सुल्तान मदीना। ऐ सरवर दी, करीम, मैंने दुआ के लिए तेरे सामने हाथ उठाए हैं, लेकिन मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती। आज तेरे सामने सर झुकाने वालों पर, एक खुदा को मानने वालों पर, लाखों झूठे खुदाओं को सजदा करने वालों ने यलगार किया है। दाता, तू उन्हें फतह दे। आमीन। जंग से ये इत्तला आई है मां। में जो कुछ लिखा है बेटी, वो मैं तेरे चेहरे पर पढ़ रही हूं। मैं जानती हूं महा से कोई भी खबर मेरे लिए गम का पैगाम नहीं लाएगी। कोई भी खबर गम का पैगाम नहीं लाएगी। मैं डरती हूं माँ, तुम्हारा कलेजा ना फट जाए। मुझे बताओ मेरा कौन सा बेटा शहीद हुआ है? अख्तर भाई दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं माँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अपनी आंखों से आंसू पोंछ दो। मेरे बेटे को इतना बड़ा रुतबा मिला है और तुम रो रही हो। मेरा बेटा शहीद है, शहीद जो कौम की तकदीरें संवार देते हैं। ला ये खत मैं चूम लूं। तुम्हारे बेटे ने दुश्मन से मुकाबले में जिस जवां मर्दी का मुजाहरा किया है, उसके लिए हम उसे खराज तहसीन पेश करते हैं। मैंने अपना वादा निभा दिया है माँ। मेरे लाल,
शहीद बेटे का सलाम कबूल करो माँ। मैंने तुम्हारी खुशनूदी और खुदा की रजा के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी कौम मुल्क की हिफाजत के लिए बहा दिया है। अनगिनत माओं के लाल यही कुछ कर रहे हैं मेरे बेटे। तारीख गवाह है कि इस कौम के माथे पे फतेह हमेशा शहीदों के खून से लिखी गई है। शहीद बेटे की रूह को मेरा सलाम। और प्रेम में मनुष्य को खुली आजादी है, जो चाहे सो करे। अब हमें किसी तरह दुश्मन की ताकत मालूम करना चाहिए। कृपानाथ, तुम चार आदमियों को लेकर जैसे बने वैसे गांव से किसी आदमी को उठा लाओ, ताकि हम दुश्मन की सही ताकत मालूम कर सकें। आज रात ये काम हो जाएगा मेजर। लोग मुझे यहां क्यों लाए हो? हमें तुमसे सिर्फ चंद बातें पूछनी है। पहले मेरी बात का जवाब दो। एक निहत्ते गाफिल और सोए हुए इंसान को अगवा करने का मकसद क्या है? हम तुमसे कुछ बातें पूछना चाहते हैं। पूछो। तुम्हारे गांव के नजदीक जो नई हिफाजती चौकी कायम हुई है, वहां कितने पाकिस्तानी फौजी तैनात है? ये कौमी राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। तुम हमें सब कुछ बता दोगे मौलवी? अभी हम सिर्फ जबान से पूछ रहे हैं। तुम पूछने का हर तरीका आजमा देखो, मेरी जुबान खामोशी रहेगी। और से बात कर बुड्ढे, मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मोमिन मौत की धमकियों से मरूब नहीं होते। पृथ्वी राज, अलग आओ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। जिंदगी चाहते हो तो सब कुछ बता दो, वरना मेरे दूसरे हुक्म के साथ ही बेशुमार गोलियां तुम्हारे सीने में पेवस्त हो जाएंगी। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूं कि जिस पाक सरजमीन की तरफ तुमने कदम बढ़ाया है, वो शेरों की कछार है। तुम्हारी अपनी तारीख के मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी की मुट्ठी पर फौज ने तुम्हारे लाखों जवानों को मौत की नींद सुला दिया था। इस बार भी शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर है। इस बार भी तुम्हारी जिल्लत सारी दुनिया देखेगी। शूट! जन्नत में जाने से पहले सुन ले बुड्ढे, कल सुबह हम तेरे गांव के ईंट से ईंट बजा देंगे। लोहे की दीवार से टकराने वाले पास पास हो जाया करते हैं। रब्बुल इज्जत, मैं तेरी गवाही के साथ कौम का राज अपने सीने में दफन करके मौत की आगोश में जा रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। इस मौलवी की लाश उठाकर मैदान में फेंक दो। Thank you.
जी, मुझे सहारा दो, मुझे खुदा के घर में पहुंचा दो। रेशमा जी, दुश्मन हमारे दरवाजे तक आ पहुंचा है बेटी। मेरे सीने पर दुश्मन की गोलियों के निशान हैं। अब वो शैतान हमारे गांव पर हमला करने वाला है। रेशमा रेशमा, ये इत्तिला। मैंने मौलवी साहब के सीने पर जख्मों के निशान देखे हैं। उनके जख्मों से रिश्ता हुआ लहू देखा है। मौलवी साहब के सीने में कुरान था। दुश्मन ने कुरान की बेहुर्मती की है। दुश्मन ने वो शमा बुझाई है जिसकी रोशनी में हम दीन के रास्ते पर चलते आए हैं। आज वो शमा बुझ चुकी है। कल दुश्मन हमारे घरों पर अंधेरे बखेरने आ रहा है। उसके नापाक कदम हमारे पाक बदन की तरफ बढ़ रहे हैं। आओ हम सब एक शहीद के पाक लहू की कसम खाकर इकरार करें कि निहत्ते और तादाद में कम होने के बावजूद अपने पाक वतन की तरफ बढ़ने वाले नापाक कदम हम तोड़ देंगे। इस मुकद्दस जमीन की हिफाजत के लिए हम जान की बाजी लगाकर साबित कर देंगे कि हमें हथियारों से पता नहीं किया जा सकता। हम हक पर हैं। इंशाअल्लाह ताला फतह हमारी होगी। नारे तकबीर। Thank you.
आंखें खोलो अकबर भाई। खुदावन करीम, मैं तुझसे अपने भाई की जिंदगी के चंद लम्हे भीख मांगता हूं। इसे इतनी मोहलत दे कि ये अपने खून में डूबे हुए आंखों से भागते हुए दुश्मन को देख ले। दुश्मन के इलाके पे वो सब्ज परचम लहराता हुआ देख ले, जिसकी सरबुलंदी के खातिर कौम के जवानों ने अपना खून बहाया है। बेटी नूरा, तू यहीं बैठ, मैं भी आती हूं। अच्छा माँ जी। नूरा, तूने माँ से पूछा था? हाँ, कहती थी अकबर का कोई खत नहीं आया है। कौन जाने ये आंखें उन्हें देख भी पाएंगी या नहीं। तुम अच्छी हो जाओगी रेशमा। मुझे जिंदगी की तमन्ना नहीं है नूरा, ये जख्म तो मेरे लिए फूल हैं। खुदा की राह में कुर्बान होने वालों को मौत का डर नहीं होता है। हाँ बहन, मेरे खुदा से सिर्फ एक दुआ है नूरा, मौत जो मुझे अपनी आगोश में समेटने लगे तो मेरा सर उसके कदमों पर हो, जिससे मेरा मुकद्दर वाबस्ता हो चुका है। क्योंकि मौत बहुत करीब आ चुकी है नूरा, जाने अकबर कब आएंगे। क्या बात है माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? ये खुशी के आंसू है बेटी, अकबर वापस आ रहा है ना। कब? कल शाम को इंशाल्लाह वो यहाँ होगा। जुदाई की खाली जाहिर नहीं कर सकती। हाँ, हम जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ, ये मेरा वादा है। खुदा हाफिज़ रेशमा। अकबर, रेशमा अकबर भाई आ गए? नहीं रेशमा, अकबर भाई की लाश वापस आई है। नूरा, मैं आखिरी बार इनकी नजर में देख तो लूं।
सहारा दो। लोगों से कह दो अपनी आंखों से आंसू पोंछ डालें। लोग तो मरने वालों पे रोते हैं, मेरा अकबर तो शहीद है। मैं तीन शहीदों की मां हूं लोगों, और देखो मेरी आंखों में आंसू नहीं है। आज मैं अपने शहीद को दूल्हा बनाऊंगी। आज मेरा शहीद अबदी आराम के लिए कब्र की आगोश में सोने जा रहा है। पोंछ दो अपने आंसू, रोक लो अपनी सिसकियां, वरना उसके आराम में खलल पड़ जाएगा। मेरे शहीद, मौत भी हमारे दरमियान जुदाई की खलीज हायल नहीं कर सकती। मैंने वादा किया था हम जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ मेरे साथ। जहेज का तो सारा सामान खरीद लिया था बेटी, सिर्फ कफन खरीदना भूल गया था मेरे लाल। फिर भी हमको अल्लाह की ताईद, अल्लाह की ताईद। रहे जो जिंदा तो हम गाजी, मर जाए तो शहीद, मर जाए तो शहीद। दीवानों का अटल इरादा आजादी या मौत, दीवानों का अटल इरादा आजादी या मौत, आजादी या मौत, आजादी या मौत। शेरों का वो नारा गूंजा आजादी या मौत।